make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। y बराबर क्या कह रहा है? mx + 3 हो। तो हल करना है आपको, तो आप दो आपके पास समीकरण है, आप जानते हैं विलोपन विधि से उड़ा दीजिए, तो 2x + 3y = कितना हो गया? 11। एक हो गया हमारा 2x - 4y = -24। ये बराबर है ना? तो और तो इसको पहले ही से बराबर है तो क्या लिख दीजिए? घटाने पर लिख दीजिए, घटाने पर लिख दीजिए, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, ये हमारा हो गया कितना? 4 × 3 = 7y और ये हमारा कितना हो गया जी? 35 हो गया ना जी, 35। तो हमारा वाई हो जाएगा भाग 7 × 5 = 35, वाई का मान हो गया 5। अब किसी भी समीकरण में आप वाई का मान रख दीजिए तो निकल जाएगा आपका एक्स का मान, मान लीजिए इसी में रख देता हूँ तो ये है कितना है 2x + 3y = 11। तो 2x + 3 × 5 = 11, तो 2x + 5 हो गया 15 = 11। तो 2x पर बराबर देंगे हम लोग तो ये कितना हो जाएगा? 11 में से 15 घट जाएगा, कितना हो जाएगा? -4। x बराबर हो जाएगा कितना आपका? -2 नहीं, तो अब कह रहा है y = mx = 3। तो y का मान कितना आया है? 5 आया है m, गुणे x का मान कितना आया है? -2 आया है जोड़ 3, 5 बराबर हो गया, ये कितना हो गया? -2m + 3 नहीं, तो ये हम -2m पर बराबर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 5 में से 3 जो है घट जाएगा, तो ये -2m = हो गया कितना? 5 में से 3 गया 2, इसीलिए m = -2/2 कितना है? -1।